आपके अंदर कोई जोश होना चाहिए था जो पाप लेगा, कोई जोश होना चाहिए था जो धनी का पाप लेगा।
हम इनको बदलेंगे और आज इनको आए हैं क्योंकि बेरोजगार है, किसान परेशान है, मजदूर दुखी है, जिनके कटा ना हो उनके कारोबार चलते ना, सिर्फ दो आवाज नहीं उठाते और जो सुबह को 180 रुपए की गाड़ी कमाने के लिए जा रहे हैं वो हमारा कमा रहे हैं। और मेरे हिसाब से सभी जो लोग हैं जो मजदूर है किसान है, किसान है कि नहीं है ना, तो अपनी आवाज को उस तरीके से खुले रखिए जो अच्छी अच्छी सरकारों की हालत ऐसी गंभीर कर दे। आपने वो ताकत है, आप इस वोट की चर्चा दीजिए, वो जरूरी है। कोरोना काल में आप सभी ने देखा होगा कि बुजुर्ग मजदूर यहाँ से भी बहुत दूर पड़ता है, दिल्ली दिल्ली काम करने के लिए और काम करने के लिए आज आए ईमानदारी से उठाइएगा। आप दिल्ली योजना का काम करते थे कि नहीं और जब लॉकडाउन हुआ देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ 4 घंटे का तनाव खो दिया, उनको ये भी नहीं पता कि बिहार होना के लिए कितने घंटे लगते हैं, क्या विचार करेंगे, क्या विचार करेंगे तुम्हारा, उनको ये मंत्री ज्यादा होगा पता है जितना बड़ा है 12 घंटे में बस के पार नहीं होगा, तो वो क्या क्या बात करेंगे। जो पूर्वांचल के प्रदेश है वो आपका भी एक ये है राज्य जिला, जो पूर्वांचल के जिले है उनको पार करने में तो वैसे शाह और रात भी हो जाएगा, ये भी को पता नहीं होता है नहीं। अब आपने देखा होगा उनके सिस्टम को उनके पदाधिकारियों को कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो शौचालय को नहीं दिखाते वो हमें दिखाएंगे पदाधिकारी को, इसलिए भीड़ इकट्ठी करो उनके पदाधिकारी हमारे देश में उस बेटी के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था
दो चार मंजिल थे उस बेटी के बलात्कारी थे, उनको क्या हुआ था याद है आपको? क्या हुआ था? ये सिर्फ तुमको जो प्रोत्साहित करेंगे